हेलो गाइस, तो आप लोग का फिर स्वागत है रेनी स्केच आर्ट चैनल पे। तो गाइस, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा सॉफ्ट बॉक्स आप घर पे कैसे बना सकते हो। यूजुअली सॉफ्ट बॉक्स का जो यूज होता है वो होता है गाइस लाइट पर्पस के लिए। अगर आप लोग एक आर्टिस्ट हो, आप लोग को अच्छा बेहतरीन लाइट चाहिए होता है, अगर नाइट में आप लोग कोई भी आर्ट वर्क कर रहे हो तो एकदम अच्छा लाइट का नीड होता है। तो बेसिकली मैं जो ड्रॉ करता था और जो वीडियोस अपलोड करता था, बेसिकली वो सब सुबह ही करता था, सुबह में ही ड्रॉ करता था, क्योंकि मेरे पास कोई भी अच्छा लाइट पर्पस नहीं था। और ये जो मरकरी देख सकते हो आप लोग, ये भी बिल्कुल ख़राब हो चुका है, और लेकिन जब था भी तो उतना अच्छा वर्क नहीं कर पाता था। तो मैं सोचा सॉफ्ट बॉक्स ही बना लेता हूँ। तो इस वीडियो में आप लोग देखोगे कि कैसे सॉफ्ट बॉक्स बना सकते हो घर पे इजीली, और मैं भी बनाया हूँ, ठीक है। और हाँ गाइस, जो भी नए व्यूअर्स फर्स्ट टाइम आए हो तो क्या करो यार, लाइक ठोको और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं इसी तरह के आर्ट रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फाइनली मैंने कट कर लिया है गाइस। कट करने के बाद जो आप लोगों को बेसिकली चाहिए होगा इस चीज़ को बनाने के लिए, वो है स्केल चाहिए होगा, टेप चाहिए होगा, अगर ये टेप नहीं है तो कोई भी टेप ले लेना, और ये कैंची चाहिए। और गाइस जो सबसे मेन है, एलईडी बल्ब चाहिए। दो पीस मैंने एलईडी बल्ब खरीदा था, तो देख सकते हो ये वाला एलईडी बल्ब लिया हूँ, और वायर्स मैंने लिया है, और जो प्लग होता है जिसमें बल्ब को सेट किया जाता है वो सब मैंने खरीदा हुआ है। तो ये सब आगे यूज होगा, आप लोग देखोगे। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अब गाइस सबसे पहले आप लोगों को कट करना होगा कुट को रेक्टेंगल शेप में। मैं भी कर रहा हूँ, देख सकते हो टोटल मेरा कुट का सेंटीमीटर 58 सेंटीमीटर था। आपके पास जितना भी होगा फिर उसका आधा कर लेना। देख सकते हो मैंने लाइन दिया हुआ है, तो ये आधा कर लिया 29 सेंटीमीटर का। तो इसे मैं कट करूंगा और ऊपर 30 सेंटीमीटर आई थिंक दे दूंगा। तो इस तरह करके एक रेक्टेंगल शेप को कट कर देते हैं। इसी तरह करके टोटल 8 रेक्टेंगल चाहिए होगा हमें, तो 8 रेक्टेंगल आप लोग भी फटाफट कट कर लेना। इसी तरह मैं 8 रेक्टेंगल कट कर लूँगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैंने 8 रेक्टेंगल कट कर लिया। आप लोग को भी इसी तरह सेम टू सेम कट कर लेना है। तो अब करना क्या होगा, अब मैं आगे का बताता हूँ गाइस। तो देख सकते हो टोटल मेरा कट हो चुका है। अब मैं करना क्या होगा, अब टोटल 20 से मैं 10 सेंटीमीटर छोड़ के और 10 सेंटीमीटर बीच में जो है वो मार्क करूँगा, एंड फिर उसके बाद लाइन से मैं एक शेप क्रिएट करूँगा जो कि ऐसा शेप रहेगा। देख सकते हो आप लोग, सेम टू सेम यही शेप आप लोग को भी करना है। देख सकते हो एकदम सेम टू सेम ऐसा शेप सब में देना है, बीच में 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इसी तरह मैं कर रहा हूँ, इजी, बहुत इजी है, और ऐसे मार्क करके फिर इसे कट करना होगा। तो मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। अब गाइस टोटल रेक्टेंगल को मैंने इस शेप में कट कर लिया है। देख सकते हो सेम टू सेम इस तरह आप लोग को भी कर लेना है। टोटल 8 इस तरह का शेप होना चाहिए। और गाइस अब करना क्या होगा, अब आप लोग के पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होना चाहिए एल्यूमिनियम फॉइल। ये इजीली आप लोग को मार्केट में मिल जाएगा और इसे परचेज कर लेना, मुझे 70 रुपीज़ पड़ा था इस चीज़ का, तो देख सकते हो। और एल्यूमिनियम फॉइल थोड़ा सा ख़राब निकला, पानी लगा हुआ था आई थिंक, बट ठीक ही था। और देख सकते हो अब इस तरह करके आप लोग को चिपकाना होगा, टेप से मैं चिपका देता हूँ। इजली इस तरह से आप लोग को चिपकाना होगा, पीछे उतना रहे या नहीं रहे चलेगा, और बट आगे पूरा कवर कर लेना चाहिए एल्यूमिनियम फॉइल से। देख सकते हो सेम टू सेम इसी तरह करना होगा। तो देख सकते हो आगे कैसा लगेगा देखने में,
ये रहा इस तरह करके आप लोगों को टोटल 8 जो पीस आप लोगों ने कट किया है सेम सभी में ऐसा कर लेते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ सब में। फाइनली पूरे में मैंने कर लिया गाइस, देख सकते हो सेम टू सेम इसी तरह आप लोगों को सभी 8 जो आप लोगों ने काटा होगा सभी में इसी तरह एल्युमिनियम फॉइल को लगा देना है। अब फिर अब क्या करना होगा, इस शेप में आप लोगों को लाके आप लोगों को चिपकाना होगा और मैं टेप का यूज करूँगा और इसे इस तरह का शेप क्रिएट करने का कोशिश करूँगा और अच्छे से चिपकाऊँगा इसे। तो इसी तरह करके आप लोगों को चिपकाना है। तो देख सकते हो पहले इजिली आप लोग ऐसे बैंड कर लेना, फिर यहाँ पर चिपकाना, इससे कम प्रॉब्लम आप लोग को होगा। तो देख सकते हो इसी तरह करके मैं चिपका रहा हूँ, टेप से भी इजिली चिपका रहा हूँ और इसी तरह करके आप लोग को भी करना है। तो फाइनली गाइस इस तरह का शेप आप लोग को क्रिएट कर लेना होगा। फिर मैं इसमें रेड टेप चिपकाऊंगा, अगर आप लोग के पास ब्लैक टेप है तो ब्लैक टेप भी चिपका सकते हो। और इसलिए मैं चिपका रहा हूँ क्योंकि इधर से लाइट पास ना हो, ठीक है। तो इसी तरह करके मैं इधर भी कर रहा हूँ, तो इजली चारों तरफ मैं चिपकाना होगा इस तरह करके। चिपकाने के बाद गाइस आप लोग को अलग से कूट लेके आप लोग को पीछे में इस तरह का होल करना होगा एक सर्कल शेप में, देख सकते हो जैसा मैंने किया है, एक इस साइड से और एक दूसरे साइड से भी आप लोगों को करना होगा और इसे मैं चिपका दूंगा ग्लू की मदद से। तो देख सकते हो ऐसा कुछ आप लोगों को देखने को मिल रहा, सेम टू सेम ऐसा ही करना होगा क्योंकि इसमें बल्ब सेट होगा। तो देख सकते हो मैं ग्लू के मदद से मैं चिपका देता हूँ इसे। देख सकते हो गाइस चिपकाने के बाद कुछ इस टाइप का लग रहा है और यहाँ पे बल्ब सेट होगा। तो सबसे पहले मैं वो सेट कर देता हूँ बल्ब जिसमें प्लग करूँगा, तो उसे मैं सेट कर लेता हूँ पहले। तो यूजुअली आप लोगों को इस तरह करके सेट करना है और देख सकते हो इस होल में मैं ऐसे करके लगा रहा हूँ और इसे अच्छे से चिपकाना होगा, जो कि फेविक्विक यूज कर रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल ही सेट कर देना है, हिलने तक नहीं देना है, ऐसा सेट करना है यहाँ पे। तो इसलिए मैं फेविक्विक का यूज कर रहा हूँ जो कि पूरा हार्डली चिपका देगा इसे। और देख सकते हो कितना टाइट हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब मैं देख सकते हो इनर पार्ट से कैसा लग रहा है, इसी तरह आप लोग भी कर लेना। अब मैं थोड़ा बल्ब सेट करके देखता हूँ कैसा लगता है। और ये एलईडी बल्ब मैंने परचेज किया था और इसका एक बहुत ही मस्त चीज़ है कि एक ईयर वन ईयर का आप लोग को गारंटी मिलता है, अगर ख़राब हो जाएगा तो आप लोग जिस दुकान से लिए थे उस दुकान से बदलवा सकते हो बल्ब, ये एक साल का आप लोग को मिलता है, तो बहुत ही अच्छा है। देख सकते हो अब जो एक्स्ट्रा पार्ट जो बच गया था उसे मैं एल्युमिनियम फॉइल से कवर करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैं उसे एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर लेता हूँ। कवर करने के बाद मैं बल्ब सेट करके देखता हूँ एंड इसे जला के देखते हैं कैसा दिखता है। तो जलने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा और ये डायरेक्ट आइस पे पड़ रहा, तो इसके लिए मैं एक रुमाल का यूज करूँगा, बेसिकली बहुत ही पतला रुमाल है, कॉटन रुमाल आप लोग को मिल जाएगा मार्केट में इजली, वाइट कलर का, बिल्कुल ही वाइट कलर का आप लोग रुमाल खरीद लेना। तो देख सकते हो इजली मैं इसे कवर कर देता हूँ और इसे भी अच्छे से टेप से चिपका देता हूँ। देख सकते हो कैसा लुक लग रहा हमारा सॉफ्ट बॉक्स, तो ये बनके तैयार हो चुका है। अब मैं नाइट में इसे यूज करके आपको दिखाऊंगा, ये मैंने सिर्फ एक बनाया है, इसे मैं दूसरा भी सेम टू सेम इसी तरह से बना लूँगा, तो ये रात को देखते हैं कैसा लगता है। तो गाइस देख सकते हो नाइट में यार कैसा लग रहा है यार, मतलब बहुत ही अलग लग रहा एकदम, मतलब बहुत ही तगड़ा लग रहा और मैंने सोचा नहीं था कि इतना परफेक्ट बन जाएगा और इतना मस्त देखने को लगेगा। और ये बिल्कुल ही मस्त लग रहा पूरा एकदम, अच्छा कैमरा में भी रिकॉर्ड हो रहा, इससे वीडियो रिकॉर्डिंग में भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और इजिली मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। अब रेगुलर आप लोग को वीडियोज़ देखने को मिलेगा, अब कोई भी टेंशन नहीं होने वाला। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा, अगर आप लोग चाहो तो घर पर भी बना सकते हो इस तरह का सॉफ्ट बॉक्स, बहुत ही ईजी में
वे में जिस तरह मैंने बनाया। और आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आएगा लाइक ठोको, और मिलता हूँ आप लोगों से अगले और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में के लिए। बाय, टेक केयर।